और नवा रायपुर प्रभावित किसान परिवारों का आंदोलन लगातार जारी है। एनआरडीए परिसर में जारी धरने में किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों ने बुधवार को ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। वहीं किसानों के इस आंदोलन पर सियासत भी अब तेज हो गई है। वहीं इस आंदोलन के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने सरकार को अराजक और किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि इतने लंबे वक्त से जारी किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के समय किसानों से जबरदस्ती जमीन ली गई और अब बीजेपी इसे लेकर राजनीति कर रही है। सरकार लगातार किसानों के संपर्क में है और बातचीत करके जरिए पूरा मामला का हल जो है वो निकाला जाएगा। और गौरीशंकर श्रीवास जो कि बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष है, उनका क्या कुछ कहना है? इसके अलावा विकास तिवारी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है एनआईडीए के इस पूरे मसले पर, क्या कुछ सियासत गरमाई हुई है? दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है, लगातार आपको सुनाएंगे। बहुत ही गंभीर विषय है कि नई राजधानी में किसान अपने परिवार के साथ लंबे समय से आंदोलनरत है और उनके आंदोलन को समाप्त करने की सरकार के द्वारा कोई भी पहल नहीं की जाती है, ना बातचीत की कोई पहल की जा रही है। ये सरकार का किसान विरोधी चेहरा को प्रदर्शित करता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में नजर बनाए हुई है और हम इस मामले में काफी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। पूरे प्रदर्शन को हमने समर्थन भी दिया है। बावजूद इसके सरकार के द्वारा बातचीत के नाम से किसानों के साथ में धोखा किया जाता है। नया रायपुर के जो आंदोलनरत किसान है, वो रमन राज के समय उनके साथ जो अत्याचार हुए थे, उनकी जमीन को बलात् नया रायपुर में शामिल किया गया था और मुआवजा नहीं मिला था, उस बाबत वह लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो खुद किसान हैं, वह उनसे सतत संपर्क में हैं। लगातार वहां पर के जो क्षेत्रीय विधायक और मंत्री शिव डहरिया हैं, वो भी किसानों के साथ संपर्क में हैं और जो भी चीज़ है वो बातचीत के माध्यम से ही इसको सुलझाई जाएगी। और ये बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जो किसान विरोधी है, उनके किए हुए 15 साल के पाप अब सामने आ रहे हैं।